कॉम्बिनेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएससी इकोनॉमिक्स इन विच आई हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक। एक ही वर्ड जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, और पिछली वीडियो जो मैथ्स पर इसके साथ निकाली थी उसके साथ बड़ा वेरिएशन आ गई है। नेचुरली है मैथ्स अगर आपने पढ़ा हुआ होता तो वो बेटर था। अब यहाँ पर ये मैंने रेड ले लिया, इन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा, ये हमने रब कर दिया और इसकी जगह पर क्यूटी मैंने डाल दिया, क्वांटिटेटिव टेक्निक इन्होंने पढ़ा हुआ है। तो पहली बात ये है कि क्वांटिटेटिव टेक्निक को सभी यूनिवर्सिटी मैथ्स का नहीं देती। अगर आप पंजाब में हो तो क्वांटिटेटिव टेक्निक अगर मैथ्स की तरफ जाना चाहते हो, मैथ्स लेना चाहते हो, मैथ्स की तरफ ही जाना चाहिए, पर उसके लिए आपको एडिशनल ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स देना पड़ेगा, 3 साल का, 1 महीने में हो जाता है। क्वांटिटेटिव टेक्निक जो है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, पंजाबी पटियाला और पीयू चंडीगढ़, ये यूनिवर्सिटी आपको मैथ्स का कॉम्बिनेशन दे देंगे। अब मुझे नहीं पता आप रहते कहाँ हो, इन फैक्टर में एक और फैक्टर आ गया कि रेजिडेंस कहाँ है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होना चाहते हो, गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट आपको कहेगी कि 3 साल आपने मैथ्स पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा होगा उसके लिए आप एडिशनल दोगे। और अगर आप क्वांटिटेटिव टेक्निक को मैथ्स में कन्वर्ट करने के लिए बीएड करना चाहते हो तो आपको लिए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद हैं, ये फैक्टर भी है। अगर आप क्वांटिटेटिव टेक्निक को फिर डिलीट ही करते हो कि मैंने ये प्रेफर ही नहीं करना, है ना, क्योंकि उसके लिए आपको एडिशनल भी देना पड़ेगा और शायद दूर भी जाना पड़े, ये रेजिडेंस पर आपके निर्भर है, तो आपको नेचुरली है कि इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर में से कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ेगा। इसके लिए कोई एडिशनल नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हो तो आपको एमए इकोनॉमिक्स करनी पड़ेगी, एमए इकोनॉमिक्स करनी पड़ेगी हर हालत में। इकोनॉमिक्स करके फिर आप पीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए मतलब 11वीं प्लस 12वीं क्लास को टीच करने के लिए, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं को नहीं, सिर्फ 11वीं 12वीं को टीच करने के लिए इकोनॉमिक्स के, जिसको स्कूल लेक्चरर भी बोल देते हैं, वो उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। साथ में आप कंप्यूटर साइंस लोगे जिसके लिए टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो, लेकिन कंप्यूटर साइंस की पोस्ट इतनी नहीं होती। आपका नॉर्मली बेस्ट कॉम्बिनेशन फिर इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर बन रहा है, ठीक है, जहाँ मैथ्स गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी नहीं, पंजाबी और पटियाला में आपका मैथ्स और इकोनॉमिक्स बन रहा है, मैथ्स और कंप्यूटर बन रहा है। तो ये फैक्टर हैं आपके। इनके बाद आप अगर लैंग्वेज में इंटरेस्ट रखते हो तो जनरल के बेस पर जो कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़े हैं, अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्टेड नहीं हो, इकोनॉमिक्स में हो, है ना, तो आप इकोनॉमिक्स और पंजाबी या इकोनॉमिक्स और इंग्लिश अगर आपने पढ़े हुए हैं, एक साल भी पढ़ा हुआ है, तो आप ले सकते हो, लेकिन इनके बेस पर गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो। आपको इनके इलेक्टिव के पेपर देने पड़ेंगे, 3 साल के ग्रेजुएशन के इलेक्टिव पंजाबी, अगर पंजाबी रखते हो तो, अगर इंग्लिश रखते हो तो इलेक्टिव इंग्लिश के देने पड़ेंगे। तो ऐसे ही इकोनॉमिक्स के साथ कंप्यूटर का भी लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन आपका बनता है। तो दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, कितने कॉम्बिनेशन आपके बनते हैं, लेकिन डायरेक्ट स्कूल के लिए अभी तक बेस्ट जो बन रहा है, जिसके लिए कम से कम फर्दर स्टडी करनी पड़े, वो इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर ही बन रहा है। अगर इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप मैथ चूज़ कर सकते हो। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर दीजिए अगर आपने फर्दर कोई कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग, पैडागॉजिकल सब्जेक्ट के रिगार्डिंग लेनी है, गाइडेंस लेनी है। थैंक यू।